लोंधी ज्वेलर्स 25 साल का शुद्धता का भरोसा लोंधी ज्वेलर्स सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड नागपुर। डकैती और लूटपाट में सक्रिय अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कामठी रोड नाका नंबर 2 के पास शराब दुकान में चोरी की वारदात हुई थी। वारदात के बाद कपिल नगर पुलिस ने गिरोह के वाहन चालक को धर दबोचा। उसके अन्य दो साथी भागने में सफल हो गए। पिकअप वाहन से चोरी करते थे। गिरफ्तार आरोपी वाहन चालक ओम प्रकाश बीराराम बिश्नोई वर्धा जिले के हिंगनघाट का निवासी है। उसके साथी दिनेश बिश्नोई और सुरेश बिश्नोई है। 31 मई को रात में 4 बजे कामठी रोड पे नाका नंबर 2 के पास सी वाइन शॉप नाम का शॉप है वाइन का, वहाँ पे एक पिकअप गाड़ी बोलेरो वहाँ आके खड़ी हुई। उन्होंने उनमें से 3 लोग उतरे थे और कबर उन्होंने एक लोहे के रॉड से दुकान का शटर तोड़ा और अंदर प्रवेश करके उन्होंने अंदर की कैश दी 80,000 के रुपये की और कुछ सामान था जैसे सीसीटीवी का डीवीआर सेटअप बॉक्स वगैरह और कुछ चिल्लर रकम उन्होंने वहाँ से चोरी किया था। जैसे चोरी करके वापस जा रहे थे आजू बाजू के लोगों ने उन्होंने देखा तो यादव करके एक पुलिस मित्र है उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। तुरंत पुलिस वहाँ पे पहुँची गश्त पर और उन्होंने रंगे हाथ पकड़ा है। पकड़ते वक्त 2 जो चोर थे वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गए और उनमें से एक जो था ओम प्रकाश जिसने वो पकड़ में आ गए। तो जिसको हमने पकड़ा है उससे हमने 40,000 रुपये कैश बरामद किया है और जो DVR और सेटअप बॉक्स है वो भी हमने उनसे जब्त किया है और उनकी पास जो इस्तेमाल की गई बोलेरो पिकअप उसको भी हमने जब्त किया है। ऐसा टोटल हमने 5 लाख का माल उनसे जब्त किया है। जो 2 लोग भागने में कामयाब हो गए उनके नाम का हमें पता चल गया है। उनका नाम एक का नाम है दिनेश बिश्नोई और दूसरे का नाम है सुरेश बिश्नोई। दोनों राजस्थान के रहने वाले उनकी तलाश जारी है। उनके ऊपर क्या क्या इन्होंने पहले गुने किए इसके बारे में हम जाँच पड़ताल कर रहे हैं। जो भी हमें सामने है उस हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करें। गुरुवार के दौरान रात आरोपियों ने कामठी रोड पर नाका नंबर 2 के पास वासुदेव केसवानी की श्री वाइन शॉप का ताला तोड़ा और दुकान के गल्ले से नकल 89,387 रुपए, सेटअप बॉक्स, सीसीटीवी कैमरे का DVR चुरा कर पिकअप वैन MH19 BM0306 में जा रहे थे। तड़के करीब 4 बजे कपिल थाने के गश्ती दल को संदिग्ध स्थिति वाहन जाते हुए दिखाई देने पर रोका गया तो अंधेरे का लाभ उठाकर दिनेश और सुरेश भाग गए। 5 लाख का माल जब्त किया गया। वाहन चालक ओम प्रकाश पुलिस के हाथ लग गया। उसके कब्जे से वाहन व चोरी का माल सहित कुल 5 लाख का माल जब्त किया गया। ओम प्रकाश ने पूछताछ में बताया कि आरोपी मूलतः राजस्थान के हैं। लंबे समय से उन्होंने हिंगनघाट में डेरा जमाया हुआ है। वहां चालक के पास आधार कार्ड भी मिला है, हालांकि वह फर्जी होने का संदेह है। उपनिरीक्षक वाग्धरे ने प्रकरण दर्ज किया है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अविनाश तोतड़े नागपुर। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट, तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस रामेश्वरी नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक बेलतरोड़ी रोड रामनगर नागपुर। स्वास्थ्य ही धन है का अर्थ बहुत ही साधारण और सरल है। इसका अर्थ है कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारी वास्तविक दौलत या धन है जो हमें अच्छा स्वास्थ्य और मन देता है और हमें जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। और अच्छा स्वास्थ्य अच्छे शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। अब ऐसे में महाराष्ट्र टीवी 24 आपके बीच लेकर आ रहा है एक कार्यक्रम जिसके तहत हेल्थ, स्किन, हेयर, वेट लॉस जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने। मैं डॉक्टर ऋचा जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर ऋचाज यूनिक क्लिनिक।
मैं आ रही हूँ आपके बीच में महाराष्ट्र टीवी 24 न्यूज चैनल पर हेल्थ एंड वेलनेस के सारे सॉल्यूशन देखे, तो देखना ना भूलें वेनसडे 8:30 PM, फ्राइडे 9 PM और संडे 1:30 PM।